करवा चौथ आने में महज चंद घंटे ही बाकी हैं। कल यानी रविवार को करवा चौथ का त्योहार है। इस दिन के लिए महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। ये त्योहार हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि यानी चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसे करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशियां आती है। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े उत्साह से ये त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ की रौनक बाजारों में काफी पहले से ही दिखनी शुरू हो जाती है। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। करवा चौथ की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस त्योहार के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले ही नहाना होता है, जिसके बाद सुहागिन महिलाएं इस व्रत का संकल्प लेती है। व्रत के दौरान महिलाएं सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करती है, इसके बाद करवा माता और सौभाग्य दायिनी ललिता देवी की पूजा करती है। करवा चौथ के पूजा के समय जल, धूप, दीप, नवेद, रौली, अक्षत, पुष्प, दूव और पंचमित से विधिवत गौरी गणेश का पूजा कर हलवा पूरी का भोग लगाती है। इस दिन पति अपनी पत्नी को कुछ खास गिफ्ट देते हैं। करवा चौथ के दिन पति अपनी पत्नी को लाल गुलाब और ज्वेलरी का सामान उपहार में देकर अपने प्यार का एहसास कराते हैं। करवा चौथ के व्रत और पूजा को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने उनसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और निवेदन किया कि वो उसके सुहाग को ना लेकर जाए, लेकिन यमराज ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। पतिव्रता सावित्री के इस तरह विलाप करने से यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वो अपने पति सत्यवान के जीवन की बजाय कुछ और मांग ले। सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें और यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता होने के नाते सावित्री अपने पति सत्यवान के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जिसके बाद यमराज ने वचन में बंधने के कारण सावित्री को सत्यवान का जीवन सौंप दिया। कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने अखंड सौभाग्य के लिए अन्न जल त्याग कर करवा चौथ के दिन व्रत करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए तो उस वक्त बाकी चारों पांडवों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने ये परेशानी भगवान श्री कृष्ण को बताई और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद अर्जुन सकुशल वापस आए और बाकी पांडवों के सम्मान को भी कोई हानि नहीं पहुंची।